रस मजा तो नहीं होता। अपना राजपाट और परिवार और अपनी अयोध्या छोड़नी पड़ी। भगवान कृष्ण को मथुरा में पैदा हुए जेल में परिवर्तन के लिए मथुरा छोड़नी ही पड़ी और बाबा जी को अपना मथुरा आश्रम परिवर्तन के लिए छोड़ना ही पड़ा। ये सब इतिहास बता रहा हूं, ऐतिहासिक प्रमाण है। यह सब परिवर्तन के लिए अपना घर अपना मुकाम मंडल स्थान सबको छोड़ना पड़ा। ऐसे परिवर्तन नहीं होता। लेकिन न तुम पिछले इतिहास को समझ पाए हो, न वर्तमान में सतगुरु दयाल की बनने वाले इतिहास को तुम समझ पाओगे। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। प्रेमियों, बाबा जी ने कहा कि मैं आगे एक ऐसी लीला करूंगा, ऐसा खेल खेलूंगा, मेरे खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना, मेरे उस खेल में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन गरीबों से और छोपड़ियों से होगा। परिवर्तन सत्य ईमानदार गरीबों से त्यागियों से शाकाहारियों से सदाचारियों से ब्रह्मचारियों से होगा। तुमने पिछला इतिहास राम का नहीं पा, क्या परिवर्तन क्षत्रियों ने किया था? एक भी क्षत्रिय ने साथ नहीं दिया राम का। तरह तरह के कलंक अपवाद लगाए, आखिरकार 14 बड़े जंगलों में वो मारा मारा फिरता घूमता किस तरीके से ग्वाल वालों को इकट्ठा करके और परिवर्तन करा दिया। ऐसे द्वापर में किसने कितना कहा एजेंसियों से, एक भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। तरह तरह के कलंक अपवाद लगाते रहे, आखिरकार मजबूर होके उनको भी ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और परिवर्तन कर दिया। ये परिवर्तन का इतिहास है और आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तो इसलिए यह सब चीजें आपके लाभ के लिए, पिछले इतिहास वर्तमान इतिहास की मजबूती के लिए लिखा गया। अपने वर्तमान इतिहास को मजबूत कर लेना, शंका संदेह भूल भर को खत्म कर देना, देवता ले आना, विश्वास करना, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। लेकिन लोगों की समझ में प्रेमियों कुछ नहीं है। प्रेमियों, लीला का अंक बड़ा खतरनाक अंक होता है। भगवान राम ने परिवर्तन के लिए उनको 18 महीना लग गया। 18 महीना त्रेता के परिवर्तन में भगवान राम को 18 महीना लग गया। द्वापर के परिवर्तन में भगवान कृष्ण को 18 दिन लग गया। और बाबा जी ने कहा, बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। तुम्हें भी नहीं समझ पाए हो कि कलयुग कितना खराब, जंजन का खान पान खराब, जिसके कारण देखना सुनना उठना बैठना बोलना चालना सोचना समझना करना कराना सब खराब। ऐसी कर्मों की और पापों की गंदगी को उठाने के लिए जो महापुरुष कह रहा हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, तुम फिर भी नहीं समझ पाए हो कि मेरा गुरु समय का कितना महान कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है। ये सब आपको सोचना चाहिए। लेकिन आज समझ आया, एक भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि 18 अंक बड़ा खतरनाक अंक, परिवर्तन का विनाशकारी लीला का, 18 महीना द्वापर का, 18 दिन यानी 18 महीना त्रेता का, 18 दिन द्वापर का और 18 मई, ये क्या इशारा कर रही है? गुरु ने घुमा करके वही अंक अपने परिवर्तन अपनी लीला का रखा जो त्रेता और द्वापर का। न आपने उसको समझ पाया, यानी न भूतकाल को जान पाया, न वर्तमान में इनका समझ पाया। इसलिए तुम्हारे वर्षक का संदेह भूल भ्रम समझ नहीं और आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा।
संदर्भ में आप सबसे एक बात पूछूंगा, आप सच्चाई से कहना, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? लोगों सच्चाई के साथ बोलिए, ये वायुमंडल सब गवाही है, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निधान निज लोग पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज ने किया है या किसी चेले ने किया है? गुरु महाराज ने। फिर तुम जा कहां रहे हो भक्ति, कहां जा रहे हो? जब जा रहे हो वहां ये काम होगा कोई, या ये काम कोई वहां कर सकेगा? तुम ये भी नहीं समझ पाए हो, नाम दान किससे लिया है, चेला हम किसके हैं, आदेश किसका मान रहे, ये भी तुम्हारे समझ नहीं आया। इतनी छोटी बात जब नहीं समझ पाओगे तो आत्मा परमात्मा के गुण राज रहस्य को तुम कैसे समझोगे? वो तो बहुत आगे की चीज है, ये सब जानकारी थी आपके सामने, सब कुछ रखा गया। प्रेमियों, जब ये हंगामा मचा मथुरा में कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, बड़े ध्यान से सुना, और तुम सब लोग लगभग गए हो, सब लोग वहां पर लाखों प्रेमियों ने तुरंत आवाज उठाई थी कि हमारे गुरु कभी झूठ नहीं बोले थे, हमारे गुरु ने नाम नाम के वक्त में वादा किया था कि मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने नाम जहाज पर बैठा कर तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। कहा मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोलेगा। और प्रेमियों ने परिचय भी दिया कि हाईवे को जब्त कर दिया और ये आवाज उठाई कि जो भी तुम असली नकली ये शरीर बना के ले आए हो, इसका ऊपर वाला कपड़ा हटा दो और बड़े मंच पर रख दो, सारा हिंदुस्तान का प्रेमी मौजूद है, सब अपनी आंख से देख लेगा, आशंका का विषय खत्म हो जाएगा। ऐसा प्रेमियों ने जब ऐसा कहा तो प्रशासन से लाठीचार्ज कराया गया, बैरिकेडिंग बना दी गई। ये क्या है, ये क्या है? यानी सत्य सही बात जानने की इच्छा पर लाठीचार्ज क्या है? यह सब आगे आने वाला समय किसी को माफ नहीं करेगा। फिर भी प्रेमियों ने साहस किया कि जो भी आप असली नकली बना के ले आए हो, तुम जानो तुम्हारा कर्म जाने, लेकिन भारत भूमि पर संत महात्माओं को कभी जलाया नहीं जाता है, इसलिए गुरु जी को समाधि दे दीजिए आप। इसमें प्रेमियों की कौन सी बुरी बात, उनका इसमें स्वार्थ क्या था और देने वालों का नुकसान क्या था? लेकिन ये सब जानते थे कि मैं पुतला बना के ले आया हूं, अगर समाधि दे दूंगा भविष्य में सीबीआई जांच में समाधि कभी खोद के निकाली जाएगी, मैं फंस जाऊंगा। तो मैंने कहा आज नहीं तो तुम भविष्य में फंस जाओगे। सच्चा दरबार गुरु का और झूठा ठिकाने कोई, प्रेमियों ये दरबार ही सच्चा है। यहाँ झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला, बेईमानी करने वाला, धोखाधड़ी करने वाला, अपना स्वास्थ्य लोभ लालच छल करने वाला लंबे समय तक संत दरबार में नहीं टिक सकता है। इस दरबार का असर प्रभाव है। प्रेमियों, मैंने 6 प्रश्न किए थे, बड़े ध्यान से सुनो, सब लोग परिवार समाज में रहते हो। मेरा पहला प्रश्न था कि जब इंसान कोई शरीर छोड़ देता है, क्या उस मुर्दे शरीर को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता है? अगर कभी किसी ने ऐसा देखा सुना किया हो तो आप बताइए, अगर ऐसा करो तो पुलिस उठा के बंद कर देगी आपको। किसने जहर दे के मारा या फांसी दे के तभी लाश को छिपा रहा था, छिपाने का कारण क्या था? जबकि इन लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी बीमार हो गए और मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव हरियाणा बाबा जी को ले स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो पहले जो प्रचार किया 60% लाभ हो गया,
आप लोग सेवाएं बढ़ाइए, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सेवा, दूरी तुगनी चौगनी करो, और बाबा जी को लाभ हो गया। कुछ दिनों के बाद कहा नहीं नहीं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया इसको मथुरा दे दो। बड़े ध्यान से सुना, कहा मैं, इन लोगों ने कहा कि मैं मथुरा ले आया और 2 बजे दोपहर में मथुरा पहुंच गया। इनके कथनानुसार 2 बजे बाबा जी जिंदा थे, फिर कमरा में बंद करके ताला डाल के क्यों रखा था? क्या आश्रम किसी और का था? क्या समाज वहां कोई और थी? केवल गुरु गुरु का परिवार? अरे उसी समय दिखा देते तो कोई की शंका नहीं होती। एक बात मैं आपसे और पूछूंगा, 2 बजे ये कह रहे हैं मैं आश्रम मथुरा ले आया, 2 और मौत का परिणाम कब सुनाया? रात को 9:52 पर। आप पढ़े लिखो जरा हिसाब लगाइए कि 2 बजे से 9 बजे कितना समय? 7 घंटे का। 7 घंटे बाबा जी जिंदा रहे और कमरे में बंद करके ताला डाल के यानी मुलजिम जैसा बना के रखा गया। ये क्या है? क्या इस हकीकत को तुम छिपा लोगे? मैं तुम्हारे पीछे था हूं, तुम हकीकत को छिपा लोगे? तो प्रेमियों, मेरा पहला प्रश्न यही था, जब इंसान कोई शरीर छोड़ देता है, क्या उस मुर्दे शरीर को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता? क्या मुर्दे के शरीर को कभी शीशे में बंद किया जाता है? क्या मुर्दे के शरीर पर इतना कपड़ा लपेट दिया जाए किसी को दिखाई न दे, या मुर्दे की लाश को मैदान में खोल के रखा जाता? ये समाज परिवारों में आप रहते हो और रोज आपके परिवार समाज से लोग गुजरते भी हैं। मेरा प्रेम वो तीसरा प्रश्न, मैंने ये दूसरा प्रश्न, जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है, परिवार का सदस्य अपने उस मुर्दे शरीर के लिए गांव मोहल्ले शहर कस्बों में रुपया पैसा सेवा चंदा मांगता, कि आंसू गिराता है कि दुख मनाता है? इन जल्लादों को इतनी खुशी, किसी के आंख में गुरु के प्रति बिना का आंसू नहीं, कोई तड़प नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, इतनी खुशी कि 5 करोड़ की सेवा वसूल लिया, और तुम्हारी गलती है तुमने दिया है। जिसने तुम्हारे बाप का गुरु का पुतला जलाया, प्रेमियों पुतला ही सही, लेकिन पुतला भी हिंदुस्तान में किसका जलाया जाता है आज? रावण का। क्या गुरु बना थे रावण? आपने जो भी किया है वो अपने भले के लिए नहीं किया है। ये सब इतिहास तुम्हारे सामने तुमको जीने के लिए मजबूर करती था। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। मेरा तीसरा प्रश्न, जब कोई इंसान शरीर छोड़ लेता है, परिवार का सदस्य जो गुर्दे में आग लगाता है, तेरहवीं उसके घर में होती है कि पूरा जिला तेरहवीं मनाता है? कहा उसके घर में, हमने तुमने क्या पूरे हिंदुस्तान में तेरहवीं मनाई? जिसने पुतले में आग लगाई, एक नया पैसा उसने खर्च नहीं किया, तुम सबको गवाही साक्षी बना के तुम्हारे द्वारा तेरहवीं बनवा के बाल मुड़वा के ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गए, ये तुमने मौत का कलंक गुरु पर लगाया है, सजा तुम सबको भोगनी पड़ेगी। बगैर देखे तुम्हारा पिता मर गया हो और तुमको लाश में दिखाई जाए, तो बिना देखे तुम विश्वास करोगे? तेरहवीं बनाओगे, बाल मुड़वाओगे? तुमने ये क्या किया? और जबकि संत आश्रम, संत महात्माओं के आश्रम हिंदुस्तान में कितने हैं, कहीं जाके तुम पता लगा लेते किसी महात्मा के शरीर छोड़ने पर उसको जलाया गया या समाधि दी गई? किसी महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी दाढ़ी बाल बनवाए जाते? महात्मा के शरीर छोड़ने पर कहीं तेरहवीं की जाती? अरे सांसारिक रीति रिवाज है, जो संसार में भोगों की जिंदगी जीता है उसके शरीर को जला दिया जाता। लोग कहते बहुत इसने पाप किए, बहुतों का खा लिया, ले लिया, दिया नहीं, चलो कुछ प्रेमियों को भोजन करा दो, शायद इसका कर्जा अदा हो जाए। ये प्रेमियों सांसारिक रीति रिवाज। और सत्संग में आपको क्या सिखाया गया? कि गुरु को मानुष मानते
पेड़ का ये अंध और रहे सदा भवकूफ में और छुटे न जम के फंसे। जिन्होंने गुरु को मनुष्य माना है वो अंधे हैं, वो भवसागर से कभी निकल नहीं सकते। कितनी बड़ी बात तुमको सिखाई गई सत्संगों में और तुमने गुरु को निकाली संसारी। क्या गुरु जी संत नहीं थे, सदगुरु नहीं थे, अनामी महाप्रभु नहीं थे, सर्वसमर्थ नहीं थे? आपने क्या सिद्ध किया है? निपट संसारी और संसारी रीति रिवाज में गुरु को तोड़ दिया। आज भी परिवार समाज में जो शादी नहीं करता उसके शरीर को आज भी नहीं जलाया जाता, यह नियम है। और बाबा जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, जलाने का काम तुम कहां भर के जाओगे? मैं तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं, कहां जाएंगे आप? बाबा जी बाल ब्रह्मचारी, जलाने का कहां प्रश्न है? ये जो भी किया है ये तुमने अपने भले के लिए नहीं किया। अब भी मैं इससे प्रार्थना करता हूं वापिस लौट आओ, भजन करने लगो, गुरु दयालु है, माफ कर देंगे। अगर तुमने अपनी स्वार्थपरता का नाटक ये बंद न किया तो ये दयालु है, लेकिन जब सामने बैठे ये दयालु नहीं है। जिस दिन इनको सच्चाई का पता चल जाएगा उस दिन ये अपनी सेवा का एक एक पैसा तुम्हारी नसों से वसूल कर लेंगे। ये है भारत की जनता। भारत की जनता का इतिहास तुमने नहीं पढ़ा? जब इसको सच्चाई हकीकत का पता चल गया, इतने बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह जमींदारों को कान पकड़ के गद्दी के नीचे उतार दिया, इतिहास भारत की जनता का। अभी ये आजादी का इतिहास, जब ये खून खराबा हिंदुस्तान में हुआ, भारत की जनता जब खून खराबा के राज रहस्य को समझ गई, अंग्रेज बहादुर थे, न्यायी थे, लेकिन 12 बजे रात को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। यह है भारत की जनता का इतिहास। हमको इन प्रेमियों को जगा लेने दीजिए, इनके कानों तक गुरु के वादे संकट प्रतिज्ञा को पहुंचा देने दीजिए, देखो क्या होता है, क्या नहीं होता, आप क्या समझते हो? जब परिवार का संगठन बिगड़ जाता उस परिवार की शक्ति छीन हो जाती है। इतना बड़ा परिवार हिंदुस्तान में किसी के पास, कोई राजनीतिक नेता पार्टी के पास नहीं, किसी धार्मिक मिशन संप्रदाय संगठन के पास, ये 45 करोड़ का जनमत किसी के पास नहीं है। अगर हमारा गुरु परिवार खड़ा हो जाएगा, गुरु के वचनों को जान लेगा, पहचान लेगा, मान लेगा, तो प्योर भजन करने लगेगा, सेवा में लग जाएगा, तो कौन सा ऐसा काम है जो तुम्हारा पूरा ना हो? लेकिन तुम अभी उस बात को समझ नहीं पा रहे। मेरा काम केवल जन जागरूक का, दूसरा कोई काम, कोई गुटबंदी नहीं। न मेरे यहां कोई अध्यक्ष मंत्री बनता है, न वक्ता प्रवक्ता बनाई जाती, न कोई सेवा वसूली जाती है, केवल गुरु के वचनों को याद करवाया जाता है। ये चीजें कामयाब हो रहा है और आपको खुद समझना चाहिए। सब आदेश में इसी की जरूरत है। प्रेमियों, मेरा चौथा प्रश्न था, ये दोनों लोग कहते हैं कि मैंने गुरु के शरीर को नहलाया है, मैंने कपड़े बदले, तो मैंने कहा मैं तुम्हारी आलोचना क्यों करता हूं, मैं तो सत्य पूछता हूं। चलो नहलाया नहीं दिखाया, लेकिन जब कपड़े बदल लिए थे, 5-7 लोग बड़े मंच पर खड़ा कर देते, मथुरा में हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी मौजूद था, अपनी आंखों से देख लेता, आज प्रेमियों को इस शंका का विषय नहीं था। मैं आपसे इसी संदर्भ में पूछना चाहूंगा, क्या किसी को मथुरा आश्रम पर बाबा जी का पूरा शरीर खोल के दिखाया गया था? किसी हिंदुस्तान के प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था मथुरा में, या पूरा इनको दिखाया गया था? फिर आपने विश्वास कैसे कर लिया? क्या तुम्हारी कभी नहीं सुनी जाए? आपको तो यह सब सोचना चाहिए था। प्रेमियों, मेरा पांचवा प्रश्न, ये लोग कहते हैं मैंने सही शरीर जलाया है, हमने बड़ी अच्छी बात है, अगर सही शरीर जलाया है तो तुम मौत का सर्टिफिकेट हमको दे दीजिए, मैं बोलना बंद कर दूंगा, हमें क्या जरूरत देने की? लेकिन
जब 3.5 वर्ष हमको हो गए कहते कहते, अभी 1 वर्ष हुआ मेरे पास मौत का सर्टिफिकेट जारी बाबा जी के बना के भेजा बाबा जी का, और किसके द्वारा? वकील के द्वारा। हमने जो दिन में झूठ बोलता, झूठ की रोटी खाता वो महापुरुष का प्रमाण पत्र बनाएगा, तुमको शर्म नहीं आई बनवाने में भी? मुझे यह भी मालूम है कि मौत का सर्टिफिकेट बनाता कौन है। जब इंसान घर गांव में मर जाता है, गंगा घाट पर जल प्रवाह करने जाता, वहां के पंडा पुजारी उनको अधिकार बना देती, और नगर शहर में जब कोई मर जाता है नगर निगम को अधिकार है वो बना देता है, लेकिन संत महापुरुषों का न आज तक किसी ने बनाया न इनके ने कोई कर्मचारी अभी तक नियुक्त किया गया, क्योंकि संतों के बारे में लिखा है संत अपनी इच्छा से आते हैं अपनी इच्छा से जाते हैं, इनका कोई नहीं बनाता। तो मैंने कहा मुझे ये भी मालूम बनाता तो प्रेमियों कोई सबूत अभी तक नहीं। छठा प्रश्न था, ये बोले बाबा जी बीमार हो गए। हमने कहा बाबा जी कहते तो मेरी कभी कोई बीमारी नहीं आती, मैं तो तुम्हारी शक्ति बीमारी लेके बैठा हूं, मेरे कोई बीमारी। चलो स्वास्थ्य लाभ के लिए आप मैदान का गुड़गांव हरियाणा ले गए हॉस्पिटल, अच्छी बात है, लेकिन मैं सच्चाई पूछना चाहता हूं, आपने बाबा जी को किस कमरा नंबर में किस डॉक्टर के अंदर में एडमिट कराया, भर्ती कराया, और डॉक्टर ने क्या मत बताया, क्या इलाज हुआ बाबा जी का? जबकि बाबा जी क्या कहते हैं, मेरा आध्यात्मिक शरीर है, सुई इंजेक्शन मत लगवाना बच्चा, मेरा ब्लड ग्रुप विश्व में किसी से मिलता नहीं है, खून मत चलाना।